नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण प्रवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। गुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। हमारे शास्त्रों में, आधुनिक भारत में भी गुरु का अपना एक स्थान है, शिक्षा का अपना एक स्थान है। किसी भी अच्छे समाज की, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। हम आज बात करेंगे इस नए बदलाव की। इस महामारी के दौरान शिक्षा में एक नया बदलाव आया है। डिजिटल इंडिया जो है वो डिजिटल एजुकेशन की तरफ जा रहा है। हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में डिजिटल इंडिया डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार है। हम स्पेकुलेशंस पर बात नहीं करेंगे, हम हमारे व्यूज पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आंकड़ों पर। वो आंकड़े जो अलग अलग एनजीओज ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जुटाए हैं, इन आंकड़ों का महत्व ये है कि हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या डिजिटल एजुकेशन भारत में भविष्य रखती है या इसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए। शुरुआत करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। ये पॉलिसी जब आई तो इस चीज़ पर ध्यान दिया गया था कि आने वाले समय के अंदर भारत में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, ग्राउंड लेवल तक एजुकेशन की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, हर बच्चा एनरोल किया जाएगा, मिड डे मील जैसी स्कीम्स जो थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत मायने रखती थी बच्चों को स्कूल तक लेके आने के लिए, खासकर ऐसी स्टेट्स में जिन्हें, जो पुअर स्टेट्स हैं, जिन्हें डेटा जो है भारत सरकार का ये डिक्लेयर करता है कि ये स्टेट्स अभी पुअर हैं, जैसे झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश भी एक हद तक उस कैटेगरी में आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हम बात करते हैं कि 6% ऑफ द जीडीपी वुड बी इन्वेस्टेड इनटू एजुकेशन। बट इफ यू लुक एट द डेटा, 2014-15 के अंदर हमने लगभग जो एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया था वो 4.14 था, और 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी का 3.2% हमने एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया है, लगभग 25% ड्रॉप। बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, बहुत सारे वितर्क दिए जा सकते हैं। तर्क दिए जा सकते हैं कि महामारी के दौरान सब कुछ रुका हुआ था। वितर्क ये दिया जा सकता है कि जब स्कूल खाली थे तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इस दौरान काम क्यों नहीं किया गया। बहरहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि डिजिटल इंडिया डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार है या नहीं। हम स्पेकुलेशंस की बात नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आंकड़ों पर। कुछ आंकड़े मैं आपके आगे प्रस्तुत करना चाहता हूं। उससे पहले मैं ये चीज़ भी करना चाहता हूं कि आजकल पेरेंट्स भी एक नया चैलेंज महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में है, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस अभी भी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए पूरी फीस स्कूल को दे रहा हूँ तो क्या डेटा प्लान पर खर्च करना मेरा फर्ज है या स्कूल का फर्ज है? क्या मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं जिससे बढ़िया तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट की जा सके? स्कूल खाली शिक्षा देने के लिए नहीं होते हैं, स्कूल डिसिप्लिन भी सिखाता है, स्कूल सोसाइटी में रहना भी सिखाता है, इंटरेक्ट करना भी सिखाता है। तो डिजिटली एजुकेशन देते हुए क्या हम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन कर पाएंगे? कितने ही पेरेंट्स ने ये प्रॉब्लम महसूस की है कि उनका बच्चा ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे स्कूल 3 साल के 4 साल के बच्चों को डिजिटली एजुकेशन दे रहे हैं और सुन के हास्यास्पद लगता है कई बार, क्योंकि 4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा ऑलरेडी वो अपनी उस अवस्था में है जहाँ पे उसके लिए एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा लंबे समय तक संभव नहीं है। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, they are bound to act in a different manner. How will we tackle all these problems? Let's get to the facts first. एक बहुत ही bold initiative भारत सरकार ने लिया था, वो था National Open Fiber Network, जिसको आज की डेट में भारत नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। लगभग 8 साल पहले लिया गया ये इनिशिएटिव, इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किए जाने की बात कर रही थी सरकार वो लगभग 40,000 करोड़ था। 8 साल बीत जाने के बाद भी ये इनिशिएटिव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बात यह है कि हम पैसा एलोकेट कर देते हैं, हम एक समय सीमा बांध देते हैं कि इतने समय में यह काम हो जाएगा, पर क्या वो हो पाता है? क्या हमें कभी अक्सर पता चलता है कि एक्चुअल में स्कीम चल क्या रही है या प्लान इंप्लीमेंट कौन सा हुआ है या नई पॉलिसी कौन सी आई है? या हम सब बिजी रहते हैं
ये देखने में, ये सुनने में कि रसोड़े में कौन था। यह रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया, नहीं किया गया, कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया गया। बहरहाल बात करते हैं उसी मुद्दे पर जिस पे हम आए थे। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 25% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स हैव एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस। दिस इज फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, वेयर एज इन द रूरल एरिया इट इज जस्ट 15%। एक रिपोर्ट आई है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। द रिपोर्ट इज गिवन बाय, द सर्वे इज गिवन बाय टीम लीज ग्रुप कंपनी स्कूल गुरु एड्यूसर्व। इस सर्वे के दौरान इन्होंने 1200 टीचर्स को सर्वे किया। कुछ फाइंडिंग्स है इस सर्वे की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 50% ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर भी 50% के करीब यूनिवर्सिटी टीचर जो हैं वो आज भी अनकंफर्टेबल हैं ऑनलाइन टीचिंग में। या तो उन्हें प्रॉपर टूल्स का नहीं मालूम है, या उन्होंने पहले कभी ऐसा किया ही नहीं है। 89.92% ऑफ एजुकेटर्स दे हैव नेवर यूज टेक्नोलॉजी एट ऑल। 83% ऑफ द टीचर्स हैव नेवर डिलीवर्ड अ वर्चुअल लेक्चर। 92% people who responded to this survey, they have said that they have never created online material or they have never curated online content which can be used in the delivering lectures. Only 3% out of the sample survey or out of the sample space have said that they have curated online content in their life. ये हाल है हमारे गुरुओं का। शिष्य पर भी हम आएंगे, पर अगर 50%, 90%, 89% इस तरीके का डेटा अगर हमें बता रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पता चलती है कि हाँ, डिजिटल इंडिया अभी डिजिटल एजुकेशन में बहुत चीज़ों में लैग कर रहा है। 69% हैव नेवर यूज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर असेसमेंट्स। स्कूलों में हम जाते हैं, पेपर देते हैं, बच्चे असेसमेंट्स आती हैं, रिजल्ट्स का अलग फियर होता है। प्राइम मीडिया भी जब रिजल्ट आता है 10वीं का, 12वीं का, IIT JEE का या किसी और अन्य परीक्षा का, तो उसे पूरी कवरेज देता है। असेसमेंट के अपने मायने, पर जब 69% लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस तरह से असेसमेंट होगी, उन्होंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं यूज किया है, तो अपने आप में चिंताजनक है। हम समझते हैं कि महामारी के इस दौरान में, इस काल में ये ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपनी लर्निंग हैबिट से जुड़ा रहे। और हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता है, पर क्या हम इसे सही तरीके से इम्प्लांट कर पा रहे हैं, क्या हम इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ये सवाल हमारे मन में उठता है। ये डेटा था गुरुओं से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स और हाउसहोल्ड से डेटा रिलेटेड। नेशनल सैंपल सर्वे डेटा 2017-18 के अनुसार 42% ऑफ अर्बन एंड 15% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। 34% ऑफ अर्बन एंड 11% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स यूज्ड इंटरनेट इन पास्ट 30 डेज। मैं जानता हूं कि ये डेटा जो है 2017-18 का है, पर डेटा देने वाली जो एजेंसी है वो क्रेडिबल है, इसलिए इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। जियो की रेवोल्यूशन इसके बाद आई है, कुछ फर्क पड़ा होगा, ज़रूर पड़ा होगा यूसेज के अंदर, बट क्या एक्चुअल में जो यूसेज का फ़र्क पड़ा है वो एजुकेशन के लिए तैयार था या नहीं था, ये बात सोचने वाली है। जितना भी डेटा हमने अभी तक शेयर किया है, ये एजुकेशन फील्ड के अंदर मायने रखता है या नहीं रखता है, ये सोचने वाली बात है। 80% पेरेंट्स जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और 59% ऑफ पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उनका ये मानना है कि एब्सोल्युटली नो ऑनलाइन एजुकेशन वाज डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस पैनडेमिक। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा प्रतिशत है ये। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स अभी भी अपनी फीस ले रहे हैं और उनका पहलू अलग है, उनका ये कहना है कि हमें अपने टीचर्स को सैलरी देनी है, और उस सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए टीचर ऑनलाइन आ रहे हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एक टेक्नोलॉजी
का बैरियर बन गया है, जिसे ना तो टीचर्स ओवरकम कर पा रहे हैं और ना ही स्टूडेंट्स ओवरकम कर पा रहे हैं। एक रिपोर्ट है एनजीओ ऑक्सफैम की तरफ से, जिस रिपोर्ट के लिए इन्होंने 1158 पेरेंट्स को और 488 गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को सर्वे किया, और ये सर्वे किया गया इंडिया की पुअरेस्ट स्टेट्स में, जिनका नाम है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड यूपी। इस सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स बताता हूँ मैं आपको। 84% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स स्ट्रगल्ड विद डिलीवरिंग एजुकेशन ओवर द डिजिटल मीडियम्स। 2 of every 3 टीचर्स लैक द नेसेसरी डिवाइसेस टू डिलीवर द ऑनलाइन एजुकेशन। अंकित व्यास जो ऑथर हैं इस रिपोर्ट के, उनका यह कहना है कि 35.6% ऑफ कंट्रीज एलिमेंट्री स्कूल्स हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, 63.2% हैव नो फंक्शनल कंप्यूटर्स। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते हैं, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो साधन संपन्न है? क्या इस देश में गरीब का बच्चा या एक ऐसे परिवार का बच्चा जिसके पास साधन अभी उपलब्ध नहीं है, क्या वो एजुकेशन से, क्या वो शिक्षा से महरूम रह जाएगा? ये आपके लिए और हमारे लिए सोचने वाली बात है। 63.2% हैव नो फंक्शनल कंप्यूटर, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 80% ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइवेट स्कूल्स हैड डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग ऑनलाइन एजुकेशन। सिमिलरली 75% ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट स्कूल्स दे फेस द सिमिलर प्रॉब्लम। 39% ऑफ द पेरेंट्स रिस्पॉन्डेड पेइंग हाइक्ड फी फॉर एकेडमिक सेशन ऑफ 2021। बहुत सारी सरकारों ने ऐसे स्कूलों से अपील की थी कि आप बढ़ी हुई फीस ना लें, पर यहां पर सच्चाई कुछ और है। फीसें भरी गई हैं, कहीं ना कहीं से एक समाज का ऐसा चेहरा उभर कर सामने आया है जहां पर पेरेंट्स इस चीज से परेशान हैं कि वो इन फीसों को दें तो किस दम पर दें, किन सर्विसेज के अगेंस्ट दें। सरकारी स्कूल अपने आप में, मैंने आपको बताया कि अभी तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्रॉब्लम। इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, दैट वुड डेफिनेटली बी अ प्रॉब्लम। अगर गुरु को ही ये नहीं मालूम है कि मुझे टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, मुझे लेक्चर देना कैसे है, शिष्य तो अभी आया है, उसे बहुत कुछ सीखना है। आजकल बहुत सारी सरकारें, स्टेट सरकारें इस बात पे ध्यान दे रही हैं कि एजुकेशन सिस्टम को वापस कैसे एक्टिव किया जाए। अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूलों को, कॉलेजेस को दोबारा से खोला जाए, किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाएं, धीरे धीरे स्टेप वाइज इस अनलॉक को बढ़ाया जाए या एक बार में ही सारे इंस्टीट्यूट खोल दिए जाए। हालिया समय में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है IIT JEE का एग्ज़ाम, और हर किसी के कंसर्न उसके अंदर जेन्युइन थे। पेरेंट्स के कंसर्न्स भी जेन्युइन थे और अथॉरिटीज़ के कंसर्न्स भी जेन्युइन थे। हम इसे कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहते हैं, पर कुछ सवाल खड़े होते हैं इस डेटा को पढ़ने के बाद, आज के हालात से गुजरने के बाद। वो सवाल इस तरीके के हैं कि कल को अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े रहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का क्या हमारे पास रिसोर्स है, सरकार कितना इन्वेस्ट करना चाह रही है, इक्विपमेंट्स के लिए कैसे अप्रोच किया जाएगा, रूरल या उन परिवारों को कैसे अप्रोच किया जाएगा। जैसे मिड डे मील जो योजना थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी बच्चों को स्कूल तक लेके आने के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद मिड डे मील का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है उस पर कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा है। उसके अलावा अगर ऑनलाइन एजुकेशन को हम एक तरफ रखते हैं और ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय के अंदर सभी स्कूल कॉलेजेस खुल जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर। बहुत सारे सवाल इस चीज पर खड़े होते हैं कि मान लीजिए कल को कोई संक्रमित हो जाता है तो क्या पूरे कॉलेज को फिर से बंद किया जाएगा, क्या गाइडलाइंस हैं उसके लिए, क्या टेस्टिंग की सुविधा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में उपलब्ध होगी, क्या ग्रेडिंग सिस्टम उसी तरीके से काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। बहुत सारे जानकार, बहुत सारे एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि दिस जनरेशन इज गोइंग टू पे फॉर दिस पेंडेमिक
that has recently happened, and in a way that their learning will be affected. हमारा प्रयास है कि आप तक हम कुछ आंकड़े लाते रहें जो मेन मीडिया में कवर नहीं किए जाते हैं. हम आपको आंकड़े देंगे, हम आपको कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं, हम आपको सोचने के लिए कुछ तथ्य दे रहे हैं. आप अपनी सोच जाहिर कीजिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल किसानों के अंदर जो अनरेस्ट चल रहा है, हरियाणा पिपली में जो अभी लाठी चार्ज हुआ और अगस्त में पंजाब के अंदर जो ट्रैक्टर रैली की थी किसानों ने, उसका क्या कारण है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए, उसके क्या मायने हैं और किसान इसके विरोध क्यों कर रहे हैं.